आज की हम लोगों का क्लास का टॉपिक है इको टोन एंड एज इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इको टोन क्या होता है। हिंदी में लिख लेते हैं संक्रमण क्षेत्र एवं सीमांतीय प्रभाव। तो पहले तो हमको देखना है कि संक्रमण क्षेत्र क्या होते हैं। संक्रमण होता क्या है पहले ये बताओ, तब तो संक्रमण क्षेत्र समझ पाएंगे। व्हाट इज इकोटोन, संक्रमण क्या? हाँ सर, संक्रमण जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती, कहीं पे कोई कीटाणु से या कुछ जैसे किसी चीज से संक्रमित, किसी बीमारी से, कोरोना वायरस, इनसे सबसे संक्रमण जो यही, आई थिंक। हाँ ये भी ठीक है। संक्रमण तो यानी कोई चीज आ गई वहां पर आपके अंदर एंटर कर गई, है ना। और भरहीन बताओ क्या होता है संक्रमण, केवल संक्रमण बताओ कि क्या होता है। संक्रमण से क्या समझती, जो भी समझती हो वो बताना है। संक्रमण में जो भी समझती हो वो बताना है आपको। क्यों फरहीन, कुछ आइडिया है? नहीं, एनी आइडिया? जैसे संक्रमण संकर शब्द क्रॉस है ना, जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र पारस्परिक रूप से संक्रिया कर रहे हों, इसका परिभाषा क्या होगी कि वह स्थान जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र पारस्परिक संक्रिया कर रहे हों, है ना, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। वो दोनों इकोसिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से, और वहां पर वो मिल रहे हों, है ना, तो वहां पर मिला जुला प्रभाव जो देखने को मिलता है उसे ही कहा जाता है सीमांतीय प्रभाव। ठीक है, जो एक मिश्रित व्यवस्था देखने को मिल रही है। अब इसके लिए हमने यहां पर एक फोटो लगाया है, ये देखिए, है ना, इसका एक अच्छा उदाहरण देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में। एक ट्रांजिशनल रीजन, मतलब वह क्या है, संक्रिया हो रही यहां किसमें, बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, पारस्परिक रूप से संबद्ध दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच क्या हो रहा है, संक्रमण, है ना। और वहां पर क्या होगा, कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाएंगी, है ना, जो केवल वहीं पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी, है ना। वो प्रजातियां कहां पर पाई जा सकती हैं, केवल संक्रमण क्षेत्र में पाई जा सकती हैं, है ना। जैसे यहां पर आप देखिए ये क्या है, एक तालाब का दृश्य यहां पर देखने को मिला है हमें, है ना। आप इसको कोई नदी भी मान लो तो भी चल जाएगा, अगर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है तो समुद्र भी मान सकते हो, है ना। जैसा आपको बड़ा सोचने का मन है तो आप उस हिसाब से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और इधर क्या है, स्थलखंड है ना, ये क्या स्थलखंड है, ये कोई डेल्टा हो सकता है ना, ये मान लो कोई डेल्टा है ना, और ये एक सागर है, या फिर इसे नदी का किनारा मान लो, है ना, और ये इसको नदी मान लो, इसको तालाब भी मान सकते हो आप, तो तालाब का किनारा हो सकता, तालाब है पूरा ये इधर किनारे, है ना। तो यहां पर दो चीजें आपस में मिलते हुए देखने को मिल रही हैं, एक स्थलखंड है, दूसरा जल राशि। तो जल राशि में ऐसे जीव रहते होंगे जो पानी के लिए एडजस्टेबल हों, उसके लिए अनुकूलित हों, जबकि स्थलखंड पे रहने वाले जो जीव होंगे वो ऐसे जीव होंगे जो कि स्थलखंड के लिए अनुकूलित तो होंगे, है ना। अब यहां पर जहां दोनों मिल जा रहा है ना, दोनों का कनेक्शन जहां पर बन रहा है, ठीक है, इस जगह पर क्या होगा, दोनों तरह के जीव आपस में आकर के इंटरैक्ट करेंगे, आपस में आकर के यहां मिल जाएंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। और जब जुड़ेंगे तो यहां पर क्रियाएं होंगी,
है ना। और क्रियाएं होंगी आपस में, मेटिंग भी होंगी, तो कुछ ऐसे जीव पैदा होंगे जो कि स्थलखंड के लिए भी सुलभ होंगे और पानी के लिए भी सुलभ होंगे। उभयचर जीव, देखो ये, देखो ये दो ठो जीव देखने को मिल रहा है, ये है उभयचर कछुआ दूसरा क्या है फ्रॉग, मेढक भी है, ये क्या है एम्फीबियन है ना, एम्फीबियन मतलब उभयचर है। ये वहां पर पाए जा रहे हैं जहां पर नदी और जहां पर पानी और स्थलखंड आपस में मिल रहा हो वहां पर ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों आए, क्योंकि यहां पर दो जीव यानी कि यही है, कुछ ऐसे जीव पाए जाएंगे जो यहीं पाए जाएंगे, यही कहलाता है सीमांती प्रभाव। और क्यों होता है वो, इकोटोन के कारण होता है। तो अगर हम सामान्य दशा में कहें कि इकोटोन क्या होता है, तो देखो तनु जी बताएंगी इतना समझने के बाद में। अच्छा आप जो है फरहीन जी लाइब्रेरी में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो तनु बताओ एक बार, हम कहें कि आप बता दो परिभाषा कि इकोटोन क्या होता है, बताइए इकोटोन क्या होता है, जो भी सही गलत बता पाइए बताइए। सविता आप बताइए, को बोलने की कोशिश करिए, नहीं तो क्लास में बैठने का आपको जो लाभ मिलता है टीचर के साथ, उस तरह से तो रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत सारे डाले पड़े होंगे, आपको यहाँ पर खोला जाएगा, आपको यहाँ पर बुद्धिमान बनाया जाएगा, है ना, आपके डाउट रियल टाइम क्लियर किए जाएंगे। तो लाइव क्लास में आने के जो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं उसको आप प्राप्त करिए, है कि नहीं। मुंह पिए बैठे रहेंगे अगर हम लोग, तो हमारे लिए चाहे वो ब्रह्मा जी भी आकर के स्वयं पढ़ा दें, कुछ होने का नहीं होगा, है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने केवल 7 ऋषियों को ज्ञान नहीं दिया था, करोड़ों ऋषियों को ज्ञान दिया था, ठीक है। और रोज ज्ञान देते हैं, रोज उनके पास आते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन 7 ही लोग ढंग से समझ पाए थे, कहने का मतलब ये है ना। हाँ, तो इकोटोन को हम यहां पर सरल और सरलीकृत करें, जोन ऑफ जंक्शन कह सकते हैं हम इसे, जोन ऑफ जंक्शन, या फिर ट्रांजिशनल एरिया कह सकते हो उसे, जंक्शन क्या होता है यानी संधि, ये संधि क्षेत्र होते हैं, कोई भी शब्द उठा के दे दे, जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं और संक्रिया करते हैं। कौन कौन सी जगहें ऐसी हो सकती हैं, अब जैसे अगर इसको हम सागर थोड़ी देर के लिए समझ लें, तो यहां पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे मैंग्रोव्स के वृक्ष देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स का गजब का कॉन्सेप्ट होता है भाई, है ना। मैंग्रोव्स में कुछ मैंग्रोव्स की ऐसी प्रजातियां होती हैं, है ना, जो कि उनके ऊपर एक ठो पौधा तैयार होगा। देखो अब यहां क्या है कि अगर मैंग्रोव जो है ना, स्थलखंड और सागर, जहां पर मीठा पानी मतलब ताजा पानी, नदी का पानी जहां मिल रहा, नदी का मुहाना, नदी आ रही है मिल रही है समुद्र में, है ना, तो वहां पर ताजा पानी और खारा पानी आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। और ऐसी जगह पर कौन उगते हैं, मैंग्रोव, मैंग्रोव संबंधित मैंने एक करंट अफेयर की पोस्ट डाला था, है ना। कौन सा मिशन चलाया है प्रधानमंत्री साहब ने, कल मैंने कल या परसों पोस्ट डाला था, पढ़ाया नहीं होगा कोई ना। तो ये जो मैंग्रोव होते हैं है ना, इनके ऊपर ही पौधा पैदा हुआ, ठीक, ऊपर पैदा पौधा पैदा हुआ, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसका बीज गिरेगा तो इसी के ऊपर तैरता रह जाएगा, बीज इतना भारी नहीं है ना। तो मैंग्रोव जो है कहाँ रहना चाहिए, मैंग्रोव रहना चाहिए इसी जगह जहां पर जो है ताजा पानी भी मिल रहा हो और खारा पानी भी मिल रहा हो। अब मैंग्रोव का पौधा तैयार हो गया, मैंग्रोव का बीज गिरा हो, बीज जो है बह करके चला जाएगा उन जगहों पर भी जहां खारा पानी नहीं है, बर्बाद हो जाएगा,
गिरता भी है, बर्बाद भी होता है। तो मैंग्रोव का अस्तित्व तो कैसे बरकरार रहता है उसी जगह पर, इकोटोन में। मैंग्रोव भी कहाँ पाया जाता है? इकोटोन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंग्रोव है ना, इसके ऊपर, इसको हटा देता हूं तो और अच्छे समझ पाओगे। बना ही लेता हूं मैंग्रोव, जैसे ये समुद्र है मान लीजिए, और नदी है मिल रही है, ठीक है, ये नदी ही मिल रही है, पानी आ रहा है। अब यहीं पर मैंग्रोव पैदा होने, मैंग्रोव की खासियत बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी भी है। क्षेत्रीय लोगों को मैंग्रोव क्या क्या संसाधन देता है? औषधि देता है, घर बनाने के लिए सामग्री देता है, और भोजन प्रदान करता है वहां के जो जीव जंतु पशु हैं। कुछ हैं जो खाते, सारे नहीं खाते मैंग्रोव, नहीं खाते सारे, कुछ हैं जो खाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सुनामी वगैरह आता है ना, तो ये मैंग्रोव उनको बचाता है, सुनामी की बाढ़ से भी बचाता है। इसलिए अभी मोदी जी लगवा रहे हैं तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव ढेर सारे बढ़ावे, है ना। मैंग्रोव क्षेत्र म्यूट रखिए, ठीक है। मैंग्रोव क्षेत्र के विकास हेतु, है ना, यहाँ पर ढेर सारे बाड़े लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि सुनामी से भी बचाव होगा, जो सुनामी आती है तो उसके प्रभाव को कम कर देगा। चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के प्रभाव को कम कर देगा, डायरेक्ट वो जो एरिया है जहाँ सेटलमेंट जोन है वहां पर एंटर करने से पहले चक्रवात की क्षमता जो है बहुत ही कम और कमजोर हो जाएगी। इससे आपदा प्रबंधन में भी लाभ मिलेगा लोगों, और हरियाली ऑक्सीजन अलग से देंगे ही उस, तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें बचाएंगे, पोल्यूशन से भी हमें बचाएंगे मैंग्रोव्स। और क्या क्या कर सकते हैं मैंग्रोव? लोगों को घर बनाने के लिए, ईंधन लकड़ी के लिए बड़ी सारी व्यवस्था देते हैं मैंग्रोव। तो मैंग्रोव को यही होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे है मैंग्रोव, है ना। अब मैंग्रोव पैदा होगा तो जहां पर मिल रहा हो मतलब ताजा पानी, खारा पानी, और मैंग्रोव के बीज अगर गिरेंगे ऊपर से तो क्या होगा पानी में? यही यहाँ पर, मतलब ये डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, पूरा डेल्टा दल 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 वाला एरिया होता है, दलदली, है ना, जहां पर कि ये पाया जा रहा है मैंग्रोव। फिर उसके बाद इधर घर बार बना लोग ने, है ना, रहो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये जो एरिया होता है भाई, है ना, यहाँ है मैंग्रोव का क्षेत्र। एक और बहुत बड़ी चीज करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ब्लू सिंक। ब्लू सिंक करते हैं, ब्लू सिंक क्या होता है? ब्लू सिंक होता है कि खेत वगैरह है, घर है तो खेत है, अब यहाँ पर यूरिया वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह खूब छिड़क रहे हो ताकि हमारी फसलें अच्छी हों। अब बारिश का पानी आया बह करके नहर, नहर से नदी, है ना, और नदी से समुद्र में जा करके मिलता, और इस तरह से समुद्र में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता, और इस तरह से झील में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता, और इससे क्या होता, एल्गल ब्लूम हो जाता, शैवाल प्रस्फुटन की समस्या बन जाती, यूट्रोफिकेशन हो जाता, और जिससे इसे कहते हैं अल्गल ब्लूम, पूरा समुद्र ऊपर फेना फेना बन जाता, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंकटन पैदा कर देता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं मैंग्रोव, उस नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में, एक्सेस नाइट्रोजन को, एक्सेस फर्टिलाइजर को अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का संग्रहण कर लेते हैं। जिससे कि जल अम्लीयता की समस्या, है ना, समुद्र अम्लीय हो जाता है, HNO3 बनाता जा करके, तो समुद्र का जल अम्लीयता की समस्या से भी बच जाता है ना, और काहे की समस्या से,
एल्गल ब्लूम की समस्या से, शैवाल प्रस्फुटन की समस्या से भी। शैवाल प्रस्फुटन, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक तो झील है गुलाबी रंग की दिखाई देती है, जहर है पूरी उसके ऊपर एल्गी, पूरा एक लाल रंग का एल्गी, पूरा पिंक लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आसमान से भी देखी जा सकती है। वहां कोई एक जीव नहीं रहता, वो डेड जोन है। डेड जोन मतलब जहां कोई जिंदा नहीं रह सकता है ना, कोई उसका पानी पी ले है ना, तो गया राम नाम सत्य इतनी जहरीली है, नहा ले तो उसके पूरे बॉडी में जो है अलग अलग तरह की समस्याएं, स्किन एलर्जी हो जाएगी है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ पादप भी अच्छे नहीं होते हैं भाई, है ना। तो ये जो चीज होती है उस समस्या से भी मैंग्रोव बचाते हैं, है ना। तो अभी हमने कुछ दिन पहले फिर से पूछ रहा हूं, अब तक जो है अगर तुम नकल मारना चाहते तो मार भी चुके होते, मैंने ग्रुप पर डाला था, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं करना चाहते। हमने कहा कौन सी स्कीम, ठीक मिस्टी है ना, बहुत बढ़िया मिस्टी स्कीम है इसके लिए। देखो जो है प्रधानमंत्री साहब हर जगह सोच रहे हैं, हर जगह वो दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति को साथ लेकर के, प्रकृति को साथ लेकर के मानव का विकास और मानव की सुरक्षा भी हो, तो यहाँ तो सुरक्षा भी तो हो रही है ना। फ्लड टाइड आए, सुनामी आए, चक्रवात आए, बचा भी तो रहे हैं हमें, है ना। ये वृक्ष दैव तुल्य हैं, है ना, मैंग्रोव के वृक्ष। तो मिस्टी स्कीम इसके लिए है ना। और यही तो है क्या धारणीय विकास, प्रकृति को बिना प्रभावित किए हुए। यहाँ तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के हित में योगदान दे रहे हैं, है ना, हेल्प कर रहे हैं हम इकोसिस्टम को, है ना। तो धारणीय विकास से भी ऊपर का विकास मोदी जी सोच रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो आपको अगर मानव का विकास सोचना है तो उसके लिए प्रकृति का संतुलन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्राकृतिक संतुलन के मानव का विकास कभी हो ही नहीं सकता, वो विकास नहीं विनाश होता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होती है, इंटरमीडिएट कंडीशंस होती है। अब बात कर रहे हैं कि देखो मैंग्रोव की कलाकारी देखो, वो नहीं करता, मैंग्रोव कुछ नहीं करता है ना, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, प्रकृति का बनाया हुआ एक नैसर्गिक नियम है जो होता ही रहता है अपने आप से। अब यहाँ पर हमने बताया कि मैंग्रोव की जड़ें नीचे गहरी जमी हुई हैं, है ना। अब ये मैंग्रोव का बीज जो भी होगा, डाइट जाहिर सी बात है ऊपर से गिरेगा नीचे पानी में तैर करके कहीं और चला जाएगा, उसकी जड़ नीचे जाएगी ही नहीं, तो अब क्या करें, 3D बनाते हैं, फिर तो समझ में आएगी बात। ये अभी 2D बनाया था, 3D बना लेते हैं। ये समुद्र ये डेल्टा बना लो, इसे अच्छा नदी है आ रही। चलो हम लोग यहाँ पर एक रियल टाइम एग्जाम्पल उठाएंगे, गंगा जी का डेल्टा बना लेते हैं इसको हम लोग, है ना। गंगा जी वाला जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महात्मा गांधी डेल्टा भी जिसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है कोई बताए, बताया जा चुका है आपको भूगोल की क्लासेस में, इतना तो। सुंदरवन का डेल्टा, हाँ सुंदरबन का डेल्टा, ना सुंदरबन का डेल्टा, यह सुंदरबन का। यहां पर कौन से मैंग्रोव पाए जाते हैं, सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है सर। सर हाँ देखो ये तनु बोल रही होगी ना, चाय वगैरह जो है पी करके आई है। ठीक है, तो यहां पर सुंदरी मैंग्रोव के कारण ही इसे सुंदरबन
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब उसमें यूनेस्को के जो इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल साइट्स हैं उसमें भी लिस्टेड है। तो बड़ी जो बढ़िया चीज है भाई, है ना, बहुत रिच बायोडायवर्सिटी देखने मिलता है। और यहाँ का जो राजा है, किंग है, कौन सा जानवर है? बंगाल टाइगर। हाँ बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, है ना। तनु अब तुम सिलेक्शन की ओर एकदम अग्रसर हो रही हो, लग रहा है इस साल सिलेक्शन दे दोगी, लग रहा है। ऐसे ही पढ़ती रही तो कोई रोक नहीं सकता, है ना, एकदम हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर लोगी, है ना। ऐसे बच्चे जो है पढ़ने बैठे तो पढ़ाने का एकदम दिल से मन करता है, मजा आ जाता है फिर, है ना। ये पूरा मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे यहाँ जगह जगह पर, है ना, पूरा घना सुंदरी मैंग्रोव। दो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का किंग है, और एक तो छोटका सा भी जीव होता है जिसकी तस्करी करते हुए अभी 4-5 दिन पहले न्यूज में आया था, अपने सुल्तानपुर में 5 कछुए पकड़े गए थे, है ना। कहाँ से, अब बंगाल से कछुआ जान तो कहाँ जा रहा था, सोचो अपना इतना शक्ति चल रहा, यूपी की तरफ से कोई आ नहीं सकता, अपराध करने वाला जा नहीं सकता, यहाँ पर केवल इनकमिंग है यूपी में, आउटगोइंग ना है। रास्ता गलत पकड़ लिया, सोचा बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी से होकर नेपाल निकल जाएंगे, का भूल गया कि भैया यहाँ तो क्या चल रहा है, राम राज चल रहा है। पकड़ लिए गए, 5 कछुए पकड़े गए सुल्तानपुर में, है ना। सब वो क्या थे, ये कछुए ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं लॉन्ग टेल टर्टल, लंबी पूंछ वाले कछुए, और रेयर, पूरी दुनिया में केवल यहीं पर पाए जाते हैं लंबी पूंछ वाले कछुए। और वो 1-1 करोड़ के जो है तस्करी की करते थे लोग, उसकी उस पर जो है बैन लगाया जा रहा, क्या करते हैं उसको, खाते नहीं है, पालते हैं वहां अरब के लोग, है ना। कछुआ कहते हैं कि कछुआ पालने से लक्ष्मी जी आती है। अरे महाराज, 1 करोड़ का तुम कछुआ खरीद रहा है तो तेरा पास अर्ली लक्ष्मी है ना। गजब गजब के सोचते हैं कि गाड़ी वाड़ी तो सबके पास है, देखे कि 20 क्या कहते हैं जगुआर खड़ी है, तो 20-25 जगुआर दूसरे के यहां भी खड़ी है, कुछ ऐसा मेरे पास होना चाहिए जो दूसरों को लीगली मिल भी ना सके, तब तो ये सब चीजें की जाती है, नौटंकी करते हैं बात ये सब, है ना। फिर सरकार भी उनको सही सुधार देती है। तो यहाँ पर लॉन्ग टेल टर्टल, सफेद सफेद हल्के होते हैं, बड़ी खूबसूरत दिखने वाले कछुए होते हैं ये, है ना, रेयर हैं, दुर्लभ हैं, और केवल गंगा जी के आशीर्वाद से यहीं पर पाए जाते हैं, और हमारे कछुओं को कोई ले गया तो ठीक नहीं, है ना। हाँ तो ये लॉन्ग टेल टर्टल यहाँ पर, ये भी क्या है, ये भी सीमांतीय प्रभाव एज इफेक्ट के कारण ही तो यहाँ पाया जाता है। कहा गया ना सीमांती प्रभाव, कि जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं और संक्रिया करते हैं, वहां पर कुछ ऐसी प्रजातियां उत्पन्न होती हैं जो केवल वहीं पाई जाएंगी, अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाएंगी भाई, है ना, अन्यत्र वो कहीं नहीं पाई जाएंगी। तो ये देखा एज इफेक्ट होता है। अभी हम आते हैं फिर से अपनी पुरानी बात पर, मैं भूला नहीं, है ना, क्यों इस तरह की चीजें पहले भी मैं पढ़ाता था, लोग समझते नहीं थे, कहते थे सिलेबस की बात क्या, अलग है। अब उठा उठा के क्वेश्चन जो सिविल पूछना शुरू किया कि कौन सा ऐसा जानवर है ना, जो ऐसे पाइप में डाल करके मतलब घास की पाइप बना करके चींटी निकाल के खाता है, कौन सी गिलहरी है जमीन के अंदर घर बनाती है, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछना शुरू किया तब सब लोगों को समझ में आया कि यूपीएससी किस लेवल पर चाहती है कि तुम पढ़ो, है ना। हाँ तो अब देखिए गजब प्रकृति का तंत्र, ये मैंग्रोव का एक विशाल पौधा बना ले रहा हूं बड़ा, है ना, जूम कर ले रहा हूं, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि अब इसमें से पुष्प निकला, पुष्प निकला, बीज गिरा, बीज गिरा, समुद्र में गिरा, है ना। ये देखो ये है सी लेवल, ठीक, ये गहराई है, इधर गहराई, इसकी जड़ नीचे जमी हुई है ना। अब इसका जो बीज गिरा, बीज इस पर गिरा, बीज गिरा तो बह गया, जड़ ही नहीं मिल पाई उसको, कैसे चलेगा काम, है ना।
मैंग्रोव तो तैरता चला जा रहा, उगेगा ही नहीं, तो उसका भी व्यवस्था प्रकृति ने करके रखा है, बड़ा ही सुंदर व्यवस्था करके रखा है। मजा ही आ जाता है प्रकृति का खेल देख करके, है ना। इसमें क्या होगा भाई कि इसी पौधे के ऊपर, है ना, फूल जो होता है उसी फूल, मान लो ऐसा सुंदर तो पीला तो फूल नहीं होता है, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। पेड़ के ऊपर फूल, फूल में बीज, अब वो बीज से निकलता है छोटा सा पौधा, है ना, छोटा सा पौधा उसी में निकलेगा। अब वो पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसी फूल के ऊपर ही पौधा तैयार होना शुरू होगा, धीरे धीरे फूल ही खत्म हो जाएगा और वो पौधा बन जाएगा, है ना, फूल खत्म पौधा बन जाएगा। अब ये पौधा बड़ा होगा, बड़ा होगा, पेड़ के ऊपर एक और बच्चा, मान लो कि पैदा होते ही गोद में उठा लिया हो, क्योंकि तेरे नीचे अभी जमीन नहीं है बेटा, तू थोड़ा सा बड़ा हो जा मेरे मैंग्रू, है ना। तो अब क्या है, ये बड़ा हो रहा है, अब क्या होगा, एक समय आएगा कि भार ज्यादा हो जाएगा, तो अम्मा मैंग्रोव कहेगी बेटवा तुम बड़े हो गए हो, अब जाओ तुम खेलो। अब क्या होगा, भार नहीं सह पाएगी, जिस घुंडी पे जिस डंके पे वो लगी हुई थी वो टूट जाएगा, और ये पौधा सीधे आसमान से नीचे आएगा और यहीं से फिर से ये जड़ जमा लेगा भाई, है ना, और ये अनवरत क्रिया चलती रहेगी। वाह क्या गजब का खेल है ना, है कि नहीं, पहले ये बताओ, मजेदार था, ऐसे आ गए ना, ये आ गया मैंग्रोव नया पौधा, गिर करके यहीं से फिर नीचे गया, भारी था, जड़ जम गई उसकी, बीज तो होता तो तैर के भाग गया था, वो गया इसे नीचे चला गया, अब वहीं से तैयार होना शुरू हो गया, नया पौधा जन गया। अब फिर यही वो भी काम करेगा जो इसके साथ हुआ है, इसमें तो भी फिर एक पौधा तैयार होगा, फिर वो टूट के गिरेगा, फिर वहीं से जम जाएगा। इस तरह से इनका चार पॉपुलेशन चलता है। ये जो इनके अंदर एक रेयर, एक अति दुर्लभ फेनामिना देखने को मिल रहा है, यह एक प्रकार का इकोटोन में रहने के लिए इनको अनुकूलित बनाता है, तो यानी कि मैंग्रोव की जो ये क्रियाविधि है वो भी क्यों है, सीमांतीय प्रभाव के कारण होने वाला अनुकूलन है, और इसे ही क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्या कहते भाई, सीमांती प्रभाव। कुछ दुर्लभ फेनामिना देखे जाते हैं प्रजातियों में, और वो केवल वहीं पर देखे जाएंगे जहां पर कि वो हैं। क्लियर, क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना, कुछ तो होगा लिखा है किसने। अच्छा, ठीक है, चैट बॉक्स का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो हाँ या ना, नहीं तो फिर से समझाऊंगा, 25 तरह से समझाऊंगा। आया? अरे कुछ तो बोल दो भाई, आया कि नहीं आया। मैं ऐसा ना करूं कि क्लास बना करके भी ऐसे डाल दूं, लाइव में बुलाने की जरूरत क्या है किसी की, क्लास नो सर आ गया है। जो है उठा बनाए ऐसे उठा के डाल दें, पढ़ो तुम लोग घर में बैठ के, ऐसे कर लें कि यहाँ लाइव क्लास बैठे हो तो कुछ फायदा लोगे। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि भाई ये जो है, ये पूरा जो डेल्टा का क्षेत्र है, ये जो, और इसको अगर हम मान लें, इसको कह लो एस्चुरी कर लो, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है कोई बताएगा, हटा दे स्लाइड, ठीक, उदाहरण लिख लेते हैं कि क्या क्या उदाहरण हैं, ठीक है, क्या क्या उदाहरण, अब आप लोग उदाहरण दीजिए, वो कौन कौन सी जगहें हो सकती हैं जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल रहे हैं। जो बोल नहीं सकता वो चैट बॉक्स का प्रयोग कर दे, लाइब्रेरी में कोई बैठ के अगर पढ़ रहा हो तो।
जो बच्चा लाइब्रेरी में है कोई जरूरी नहीं कि आप बोलिए, वहां शांति बनाए रखिए, आप जो है वहां चैट बॉट का प्रयोग कर लीजिए। जैसे सर दलदली भूमि, बहुत अच्छा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको। हाँ, दलदली भूमि बिल्कुल करेक्ट है। वेटलैंड, ठीक है, मार्शी वेटलैंड, ठीक है, मार्शी लैंड भी कहते हैं इसे। और क्या हो सकता है, डेल्टा ना, ज्वारोद्गम, सर रामसर साइट्स भी हो सकती हैं। रामसर साइट, तो झीलों को ही कहते हैं, वेटलैंड को ही कहते हैं, नदी की दलदली क्षेत्र को ही कहते हैं। रामसर साइट तो स्पेशल प्रोविजन, जैसे इंसान, जैसे इंसान तो सारे इंसान, लेकिन कोई आईएएस बन गया है ना, ठीक है, तो अगर हम कहें कि इंसान कौन होता है तो कह दो आईएएस, सही है। रिकग्निशन नहीं है, थोड़ा स्पेशल इसको भोकाल दे दिया गया, इंटरनेशनल स्तर पर इसको महत्व दे दिया गया है। और क्या हो सकता है, डेल्टा और ज्वारोद्गम में क्या अंतर है, ये देखिए, डेल्टा में जो मुख्य नदी होती है, कई जहां भाग में बिखर जाती है, और जोरना जहां पे कई नदियां आके मिलती हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आपने भूगोल का भी क्लासेस बहुत मन से पढ़ा था है ना, और देखो परिणाम देखना शुरू हो गए ना, और तुम क्लास में घबराती थी ना कि सर पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता, अरे सब आता है समझ में है ना, तुम्हें धीरे धीरे आता है चीजें, धीरे धीरे लगता है मेच्योर होने में है ना, भरोसा रखना चाहिए अपने खुद आप पर, आप किसी से कम नहीं हो, हमेशा ये सोच के रखो है ना। हाँ, कोई जो है पेट से पैदा होकर के नहीं सीख के आता है, सब यहाँ जन्म ही लेते हैं, काहे लिए कि कुछ बहुत कुछ था जो सीखना बचा था, समझे ना, ये होता है क्या डेल्टा। जहां पर वितरिकाएं आकर के निकल रही हो बाहर, वितरिकाएं नदी से निकल गई वितरिकाएं और वापस नहीं मिलेंगी कभी, समुद्र में ही जाकर मिलेंगी, अब ढेर सारी शाखाएं टूट जाती हैं। और ज्वारोद्गम में क्या है कि जहां समुद्र है वहीं पर सहायक नदियां मुख्य नदी से आकर के मिलती हैं, ढाल वाला एरिया है भाई, है ना, ये देखो आकर के ढेर सारी नदियां मुख्य नदी से मिलती हैं मुहाने पर, इस कारण से भारत में जो पूर्वी तट है वो डेल्टा प्रधान है ना, और पश्चिमी तट जो है भारत का वो कैसा है, ज्वारोद्गम प्रधान है ना। सर सर इसमें खाड़ी भी आएगी। हाँ, खाड़ी है, खाड़ी का जो वो होता नहीं कि कटे फटे एजेस जहां कनेक्ट हो रहे थे, बिल्कुल खाड़ी नहीं आएगी, पूरा खाड़ी का किनारा, खाड़ी का किनारा। अब भाई खाड़ी तो इतनी हो गई, लेकिन मैं जो आपकी जिसकी इकोटोन की बात कर रहे हैं वो केवल इतना है, तो पूरी खाड़ी तो कहना भी गलत है। तो हम लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो जो जो भी बात होगी इन डेप्थ लेवल पर हमको सही होना होगा है ना, ये देखिए इतना ही है ना, और खाड़ी कितनी है, ये खाड़ी तो काफी ज्यादा बड़ी है ना, इसलिए एकदम किनारा ज्वारोद्गम। तो इधर क्या देखने को मिलते हैं आपको, ज्वारोद्गम, और इधर डेल्टा देखने को मिलता है ना, ये देखो कोरोमंडल को, उसका कावेरी नदी का डेल्टा है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल बस लिखना, कोरोमंडल तट लिखना, कोरोमंडल कई कई किताबों में और कई लोग पढ़ाते हैं लिख देते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल करते हैं, गलत है, कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल न्यूजीलैंड में एक आइलैंड है, कोरोमंडल नाम है उसका, वहां पर एक मैंग्रोव पाया जाता है, और वह मैंग्रोव की प्रजाति पता नहीं कैसे बह बह करके यहाँ आ गई, वह वाली मैंग्रोव की प्रजाति यहां भी पाई जाती है, तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल कहते ही गलत, ठीक है, कोरोमंडल न्यूजीलैंड, कोरोमंडल कोस्ट यहां,
ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये अपना सुंदर महानदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इधर डेल्टा 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 है ना, और इधर नर्मदा तापी माही है ना, सब आके गिर नहीं है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां इधर बनाती हैं, ये सब क्या ज्वारोद्मुख, इंडिया की इस साइड में ज्वारोद्मुख बनाते हैं, क्या निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया, और भी उदाहरण देखते हैं ना, क्या क्या हो सकते हैं बताइए, क्या क्या हो सकते हैं उदाहरणों में, वो वाला खेल लेते हैं जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, मैं तो पढ़ा हूँ भाई, आप लोग पता नहीं पढ़े हो नहीं, आप लोग तो अमीर घर के हो है ना, मैं फाइल काला वाले में पढ़े नहीं, पहले तो लगभग यही चलता था बहुत पहले है ना, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे है लिखते थे, गुरुजी वाला याद आ जाएगा, चलो ठीक है। तो क्या क्या उदाहरण हो गया, डेल्टा नदी का किनारा, दलदल, ठीक है, और खाड़ी का तट, खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र, और क्या हो सकता है, घास भूमि सबसे चौड़ा, पारिस्थितिक तंत्रों में से एक घास भूमि, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, और कुछ हो सकता है सर क्या। जैसे ढलान हाँ ठीक है, अब यहां पर एक चीज बात आ रही है, घास भूमि कैसे है ना, यानी कि इससे पता चलता है कि ये लाइन नोट कर लेना अब है ना, कि जो ये वो होते हैं इकोटोन होते हैं है ना, जो इकोटोन होते हैं ये क्या संक्रमण क्षेत्र जो होते हैं, यह सकरे एवं चौड़े दोनों प्रकार के, हो सकते हैं ठीक है, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सकरे कोई नदी का किनारा हो, रिवर बैंक, और चौड़े, चौड़े घास भूमि, जितने चौड़े भी हो सकते हैं। अब कहोगे सर ये घास भूमि जो है ये कैसे आ गई, हाँ ये कैसे है ये देख लेते हैं हम लोग है ना, जैसे इधर एक साइड में मरुस्थल हो, यहां मरुस्थल, मरुस्थल, और दूसरी साइड में सदाबहार वन है ना, इधर सदाबहार वन है, घना जंगल एकदम से, धीरे धीरे अब बारिश कम होती जा रही है ना, तट से दूरी बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में जहां ये तट से दूरी इधर बढ़ रही है, तो इधर तो कैक्टस वैक्टस भी बाद में फाइनली पाए जाएंगे, नागफनी, कैक्टस, जीरोफाइटिक प्लांट जो होंगे वो देखने को मिलेंगे है ना, ऐसे तो नागफनी कैक्टस है ना, यानी जीरो जीरोफाइटिक प्लांट यहाँ देखने को मिलेंगे, सूखा रोधी पौधे, लेकिन इकट्ठे बरसात नहीं कम हो गया है, धीरे धीरे हवा तो लेके जा रही थी मारते हुए,
तो इधर बीच में क्या होगा, यहां पर फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, पेड़ पौधे कम होते चले जाते हैं, अभी घास भूमि में बदल जाता है, बीच में होता है घास भूमि से एक चौड़ा सा जो मरुस्थल और वनों को जोड़ने वाला इको टोन होता है ये, और घास भूमियों में बहुत ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। और घास भूमियों पर जो एज इफेक्ट है कौन सी चीज पर लगता है, प्रश्न पूछ दिया जाए तो वहां पर उत्तर होगा चिड़ियों पर। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, घास भूमि में सीमांतीय प्रभाव, घास भूमि में सीमांतीय प्रभाव चिड़ियों पर लगता है। चिड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां, डाइवर्सिटी देखने को, बर्ड्स की बहुत, बर्ड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चिड़ियों की सारी प्रजातियों पर अन्वेषण करती है, इनलिस्टिंग करती है ना, कौन सी, बर्ड इंटरनेशनल, आगे पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंट में सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन पहले फंक्शन तो पढ़ लें, है ना, छूटेगा कुछ नहीं। तो चिड़ियों पर लगता है, इसी तरह से नदी जो जलराशि और स्थलखंड जहां मिलते हैं, जल एवं स्थल के बीच जो बनते हैं उन पर, किस पर, उभयचरों पर, जैसे कौन था जो कि तुम लोग क्या कहते, पनिया कीरा है ना, मीढ़क, सलामेंडर, टोड, ये सब, ये घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब क्या है ना, इन पर लगेगा, ऐसी प्रजातियां पाई जाएंगी जो स्थलखंड पर भी रह सकें, उभयचर प्रजातियों पर लगेंगे प्रभाव, है ना, क्लियर हो गया, इस तरह क्वेश्चन मान लो बनावे तो। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांतीय प्रजातियां कहा जाएगा, इन्हें कहेंगे एज स्पेसीज, सीमांतीय प्रजातियां। इन्हें सीमांतीय प्रजातियां कहा जाएगा, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पर औरों की तुलना में, और कुछ यूनिक चीज देखने को, बिहेवियर देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं, इतना समझ में आ गया कि इकोटोन और एज इफेक्ट क्या था, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया हो कि अभी भी कि इकोटोन क्या होता, वैष्णवी बताओ कि इकोटोन क्या होता है। सर, जहां पर दो परिस्थिति आपस में मिलकर संक्रिया करते हैं तो उसे ही मतलब संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, और जो इनके प्रभाव होते हैं जैसे कि हमको पढ़ के ना पढ़ाओ, हमको सीमांत्री। समझाओ, हमको तुम लिखाया हुआ ना पढ़ाओ, नोट्स का ना बताओ, हमको जी समझाओ, सर, मैं समझना जी चाहता हूँ कि क्या होता है, एक उदाहरण सहित अपने अगल बगल घर और बाहर जो कुछ देखो उसके हिसाब से मुझे बताओ, हिसाब से उदाहरण के हिसाब बताओ, मुझे पढ़ करके ना बताओ, वो अपनी सर, बुद्धि, और अरे कोशिश करो। सर जैसे कि तालाब है तो जो एक मतलब एक स्थलखंड, उसमें से कछुआ भी रहता है, और एक स्थल, वो कछुआ पानी में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, और मगरमच्छ जो है वो भी पानी और स्थल दोनों पे रह सकता है। जब ये आपस में मिलेंगे जिस स्टेज पे से, जहाँ के ताजे पानी और गर्म पानी का जो वो होगा, मतलब ऐसे कुछ गरम वहां पे मिलेंगे, तो जो इनसे जो पानी आ गया, गरम पानी मतलब, नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, जो वहां पर संक्रिया करेंगी तो उनसे जो होंगी कुछ, सर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर अरे पाया, बोल ज्यादा नहीं तो कर ना, कह पाया रहे हैं सही सर। बोल तो रही, बोलो बोलो। सर वहां पे जो होंगे तो उनके उनके साथ जो क्रियाएं करेंगे तो जो उनसे होंगे उनको संक्रमण क्षेत्र कहेंगे। सही बता रहे, काफी हद तक तुमने, ओके सर, देखो खुली ना बुद्धि है ना, यस सर।
तुम्हारी एकदम सबकी बुद्धि खोल दूंगा, है ना, लेकिन मैं बोलूं तो बोलोगे, शर्त यही है ना। अगर मैं बोलने कहूं वो जो बोलेगा ठीक है, एकदम उसका सारा जितनी गांठें मस्तिष्क की सब खोल दूंगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन तुम्हें चाहिए होगा ना, जो आदमी खुद ना ठीक होना चाहे उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, है ना, डॉक्टर उसे ही ठीक कर सकता है जो स्वयं ठीक होना चाहता है ना। ठीक है, सर दोनों में एक डिफरेंस बताइए, किसमें? इसी में दोनों में, सीमांती और संक्रमणीय में। अच्छा, दोनों में डिफरेंस बता दें, ठीक है। चाय पीते हैं, चाय है, और चाय पीने से ताजगी आ जाता है, ये चाय का प्रभाव है, समझे? राइट सर। समझ में आ गई बात? कि वो क्या है, वो स्थिति परिस्थिति है, और उसकी स्थिति परिस्थिति से जो प्रभाव पड़ता है वो अलग चीज है ना। जैसे आप हैं तनुजी, है ना, आप तनुजी हैं, लेकिन आप किसी सभा में जाती हैं और आपके वहां पहुंचने के बाद जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, वो प्रभाव होता है तनुजी के आने से जो प्रभाव पड़ा, ठीक है। एक व्यक्ति विशेष है, एक जो है उसका इफेक्ट है, ऑरा है उसका, है ना। अब समझ में आई बात? आ गया तो अगले अगला टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक क्या, इसी में ही है, इसी में ही है। इकोटोन समझ में आ गया हो, सीमांतीय प्रभाव समझ में आ गया हो, यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छा होता है, फूड वेब बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी यहाँ क्या क्या खासियत भी है ना, कुछ खासियतें जैसे कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं सीमांतीय प्रभाव में, कहाँ पर, इकोटोन में पाई जाती हैं, जो केवल यहीं पर होंगी, समझने के लिए सरल शब्द, बाकी तो जो मेन नोट्स है उसमें आई है सब चीजें, तो समझ कहाँ आता है ना, बुनियादी बात उसकी, रट के चले आते हैं और पेपर में दिमाग वाला बना देता है ना, तो समझना जरूरी है। पाई जाती है जो केवल यहीं पर पाई जाएंगी, और कहीं नहीं पाई जाएंगी, अन्यत्र नहीं पाई जाएंगी, वहीं पाई जाएंगी, है ना। हाँ, ये एक्सेप्शन, कहीं से तुम गए उसको, वहां पर तुम नदी किनारे गए, वहां कोनो अच्छा जानवर लगा तुम उसको उठा लाए, अब एक्वेरियम में डाल दिए, ये बदमाशी कर सकते हो आप, लेकिन वो मारा नहीं जाएगा, है ना। तो दूसरा, यहां पर अति जटिल खाद्य जाल एवं सशक्त खाद्य श्रृंखला होती है, यहाँ की उत्पादकता बहुत अधिक होती है, ये सब ऑप्शन बनेंगे, यहाँ की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। अब फंसाने वाला क्वेश्चन, यहां पर अत्यधिक, यहां पर घनी प्रतिस्पर्धा होती है, जीव जीवस्य भोजनम, घनी प्रतिस्पर्धा होती है, ज्यादा जीव हैं तो ज्यादा मारकाट भी होगा, और अगली बात, जो यहाँ के जीवधारी हैं उनकी जीवन प्रत्याशा कम होगी, जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगी, कौन कब तक जिंदा रहे कोई भरोसा नहीं, तो याद रखना क्या, जीवन प्रत्याशा अल्प होती है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। लोग कहेंगे सर जीवन प्रत्याशा अल्प कैसे हो जाएगा, जब इतना बढ़िया नेटवर्क है ना। हाँ, पक्षी की पूरी प्रजाति यहाँ पर अमर दिख रही है, लेकिन पक्षी अमर नहीं दिख रहा, उस पक्षी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। नदी के किनारे है ना, वहां पर जहां जमीन टच हो रही है, केंचुए
निकले हैं, और मछली भी वहां आएगी नदी के किनारे का खाने, क्या खाने? केचुआ। केचुआ। तो वो केचुआ अभी जो पैदा हुआ है छोटा सा, सोच रहा था कि मैं बनूंगा कुछ बड़ा बन के विधायक सांसद, है ना। अब वो केचुआ को क्या पता कि मछली उसे खाने आ रही है, अभी उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। और ये मछली वहां खाने आ रही है तो वहीं पर कौन आ गया है? बगुला भी ध्यान लगाए बैठा है कि जब मछली आएगी क्या खाने, केचुआ खाने, तो मैं मछली खाऊंगा, जब ध्यान लगाए बैठा है। आ जा 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 जा, जा किनारे वहीं। अब यहां पर या तो मछली कछुए को खा लेगी, या मछली खुद खा ली जाएगी, या फिर जब केचुआ खा लेगी तब वो खाई जाएगी, कोई भरोसा नहीं। अब ये बकुला पूरा ध्यान लगाए बैठा है इसे, और पीछे से एक तो सांप ऐसे ऐसे चला आ रहा है कि बकुला तो ध्यान मगन है, आज मैं इसको लपेट लूंगा, है ना। और तब तक आसमान में उड़ता हुआ एक बड़ा सा बाज वहीं से देखता, अच्छा यहाँ तो बड़ी चीजें हैं, क्या खाऊं, बकुला खाऊं कि मछली खाऊं कि सांप खा लूं, है ना। यानी किसी की जिंदगी का कोई भरोसा भाई है नहीं यहाँ, है ना। जीवन प्रत्याशा वो खतरा रिस्क है, मजो है तो सजो है कि नहीं। चलिए इसको समझे रहे ना भाई। और ये क्या है, कंपटीशन, घनी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बहुत है। ये सब क्या सीमांती प्रभाव कारण है। आगे चलते हैं, और ये सब कहाँ है, इकोटोन में आते हैं, आगे देखते हैं अगला, आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसको समझते हैं, इको क्लाइन। पेन की हमारी नींद घिस घिस के खत्म हो गई। इको क्लाइन, इकोलॉजिकल डिक्लाइन, ये क्या होता है, इको टोन का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट टू इको टोन, इको क्लाइन, पारिस्थितिकी अवनमन क्षेत्र। ठीक है, पारिस्थितिकीय अवनमन क्षेत्र है, ये उल्टा होता है, इकोटोन का उल्टा। यहां पर क्या होता है कि जैव विविधता धीरे 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 कम होती चली जाती है ना। और इसको इस तरह समझिए, इको क्लाइन क्या है, इको डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कम होना, है ना। जैसे फिर से वही बना लेंगे वैसा टाइप का, बहुत से लोग यहां कम, अब इको क्लाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो ये घास भूमि ही है ना, एक ग्रास लैंड,
बिना पढ़ाए फुटवे से ही समझ में आ जाएगा कि है क्या। क्या समझ में आया ये बताइए फोटो देख के। यही है इको क्लाइन, ये बताइए तनु। यहां पर धीरे धीरे है ना पारिस्थितिकीय ढांचे में परिवर्तन होता चला जाता है, प्रजातियों में परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है, इतना स्लो मोशन में कि पता भी नहीं चलता है ना, आपको महसूस नहीं हो पाएगा है ना, जब सोचोगे पीछे का तब पता चलेगा। अब जैसे एकदम सवाना घास भूमि थी, उसमें इतनी बड़ी बड़ी घास से 5-5 फुट की घास, पूरा घना घास भूमि, फिर धीरे धीरे क्या है घास की साइज छोटी हो गई है ना, झाड़ झंखाड़ के कुछ पेड़ पौधे दिखना शुरू हुए, लेकिन अभी भी घास है, साइज थोड़ा कम हो गई है। फिर क्या था धीरे धीरे और गए तो और थोड़ा सा दूर दूर, पहले क्या था 50 किलोमीटर पर एक पेड़ दिखाई दे रहा था, अब 5-5 किलोमीटर पर पेड़ दिखना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर थोड़ा सा गए तो फिर 2-2 किलोमीटर पर पेड़ दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि तुम्हें अंतर महसूस नहीं हो रहा है ना, या तो बहुत तेज यात्रा करोगे तब तो तुम्हें पता चल पाएगा। अब थोड़ा सा और गए तो हर 500 मीटर पर पेड़, फिर घास और छोटी हो गई, अब धीरे धीरे फिर पेड़ पेड़ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन घास भी नीचे है क्योंकि सूर्य की रोशनी जाने की जगह है तो घास कहीं 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 पेड़। फिर क्या हुआ फॉरेस्ट कैनोपी पूरा बन गया, सूर्य की रोशनी अब जमीन में नीचे पड़ ही नहीं पा रही है, घास का आया, दिस इज द इको क्लाइम। समझ में आई बात, आ गया क्या यस सविता? तुम कुछ नहीं बोलती हो, आज तुमसे भी मेहनत करवाते हैं, बोलो तेरा इको क्लाइन से तुम क्या समझी, फोटो देख के क्या समझ में आया। ये फोटो नहीं बताना, अब इको क्लाइन बताना क्या होता है, अपने मन में ऐसे बताने को जो भी तुम्हें समझ में आए। पहली बार बोल रही हो छूट, चलो चाहे जो गलत सही चाहे जो बोलो, चलो बता। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, तो यहां से हम लोगों ने आज का जो ये चैप्टर था इसको समाप्त किया, ठीक है। कल वाली क्लास में अगर कोई डाउट रहा हो तो उसको आप पूछिए, मैं इधर ही ठीक है। हाँ तो जो है हम लोग कल जो चैप्टर उठाएंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बायोटिक इंटरैक्शन, एक जीव दूसरे जीव के साथ में क्या क्या व्यवहार करता है, क्या क्या व्यवहार कर सकता है, कितने तरह के संबंध जीवधारियों में आपस में बन सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ना, और बड़े ही मतलब उदाहरण इसमें बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, उदाहरण इसके ज्यादातर इसके उदाहरण पूछे जाते हैं है ना, मेंस तक में क्वेश्चन यहाँ का बना है, अभी एलेलोपैथी पूछा गया था है ना, जो अमेंथेलिज्म का उदाहरण, अमेंथेलिज्म कमेंथेलिज्म ये सब क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले बाइनरी नंबर्स के थ्रू पढ़ाना बताऊंगा, फिर उसके बाद अलग अलग उदाहरण सहित बताऊंगा है ना। कल का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है भाई है ना, कोशिश किया जाएगा कि एक दिन में खत्म हो जाए है ना। धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन तीन प्रकार के होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं।